guys, hope you guys are having a great time at this time of the year. So, आज मैं आपके सामने फिर से लेके आती हूँ सरोजिनी नगर मार्केट के बारे में और भी कुछ जानकारियाँ, जिसकी वजह से कि आपकी शॉपिंग थोड़ी और ईजी हो जाएगी और थोड़ी और सस्ती हो जाएगी. तो चलिए हम शुरू करते हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस शॉप से, किस डायरेक्शन से और कौन सी चीज़ किस जगह पे मिलती है, ताकि आप सरोजिनी नगर जब नेक्स्ट टाइम जाए तो आप भूले ना, भटके ना. क्योंकि मैंने देखा है 7-8 साल मेरे को हो गए शॉपिंग करते हुए, फिर भी मैं भूल जाती हूँ, भटक जाती हूँ. रसो बाबा मेरे को लगता है कि मैं एक ही जगह घूम फिर के आ जा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट होता है और मैं पूरी तरीके से शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब मेरे को कोई पर्टिकुलर शॉप जानी होती है और वो मेरे को पूरे दिन भर में 2-3 घंटे भी घूमने के बाद नहीं मिलती है. ऑब्वियसली मैं सब दुकानदार के नंबर्स तो नहीं लेके रखी रहूँगी या दुकान के नंबर तो याद रहेंगे नहीं मुझे, तो इसलिए जब मैं अपने आप खुद से ढूंढती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस तरह की वीडियो को मुझे आपके सामने लेके आना चाहिए, जहाँ पर कि मैं आपको ये बता सकूँ कि किस डायरेक्शन में कहाँ से आपको एंटर करना है, कहाँ से किस दुकान से आप कौन सा सामान किस प्राइस में आप ले सकते हो और किस किस टाइप की वैरायटी उस दुकानदार के पास होते हैं या कितनी बार्गेनिंग आप कर सकते हो. ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरे कुछ कुछ फेवरेट शॉप्स, पर मैं उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी मेरी फेवरेट शॉप है. पर आज के वीडियो में मैं ये आप बताऊंगी आपको कि किस तरह की शॉप कहाँ पे लोकेटेड है सरोजिनी नगर में. तो इस जानकारी को देने के लिए मैं आपको सरोजिनी नगर का मैप एक बना के दिखाऊंगी, क्योंकि सरोजिनी नगर का मैप बहुत ही आसान है. ये एक आई शेप का मैप है और ये बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे सरोजिनी नगर, तो ये बहुत ही ईजी होगा आपके लिए चीज़ें ढूंढने में और सही तरीके से शॉपिंग करने के लिए. इसीलिए मैं ये वीडियो आज आपके समक्ष लेके आ रही हूँ. आशा है कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा. और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आपको सरोजिनी नगर शॉपिंग करना क्यों पसंद है और आपकी बेस्ट शॉपिंग कौन सी थी. तो अब चलते हैं, हम आपको मैप पर लेके चलते हैं और मैं आपको बताऊँगी कहाँ पर किस नंबर की शॉप कहाँ पर लोकेटेड है. सो दिस इज़ मैप ऑफ सरोजिनी नगर. आप इसको एच भी कह सकते हैं या आए. तो अगर आप देखें तो मुझे बेसिकली ऑटो वाले हमेशा यहाँ पे उतारते हैं इस गेट के पास. बेसिकली आपको ऑटो वाले यहाँ पे उतारेंगे, फिर आप यहाँ से एंटर करते हो, देन यू नीड टू वॉक अ लिटिल बिट हियर. जब आप यहाँ थोड़ा सा चलते हो तो देखोगे यहाँ पे एक जस्ट लीडी की दुकान होती है. तो ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे आना चाह रहे हो या फिर आप सीधे चले जाना चाहते हो, क्योंकि अगर आप सीधे जाते हो तो यहाँ पे दुकान नंबर 2 है वुडलैंड. पर हाँ, इन चीज़ों को आप लैंडमार्क की तरह याद रख सकते ताकि आप भूले ना या कंफ्यूज ना हो. तो अगर आप यहाँ जाते हो तो मैं इसके बारे में बस थोड़ा सा ही बताना चाहूँगी कि जैसे आप थोड़ा दूर जाते हो तो यहाँ पे आपको एक शिव मंदिर दिखाई देगा. काफ़ी इसी तरह के ब्रांडेड स्टोर्स आपको मिल जाएंगे. फिर एक बैग की भी दुकान है यहाँ पे. फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आपको एथनिक वेयर मिलता है. तो अगर आपको साड़ी लेनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं, या तो यहाँ आ सकते हैं या तो फिर आप यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है W फिर लक्षिता, अगर आपको एथनिक वेयर लेना. और काफ़ी प्राइवेट वाले भी होते हैं. तो ये सारे अच्छे वेल बिल्ट स्टोर्स होते हैं. ये 107 108 ऐसे करके कोई नंबर है. यहाँ पे थे तो जब हम यहाँ पे हैं तो यहाँ आपको एथनिक वेयर की दुकानें मिलती हैं. तो यहाँ पे एक सभ्यता भी है, तो उसका नंबर है दुकान का 29. अब इसी तरह ही अगर आप चलते जाएंगे तो आपको काफ़ी स्ट्रीट वाले वेंडर्स भी दिखाई देंगे, और फिर यहाँ पे आपको एडिडास की भी दुकान दिखेगी, नीवा की दिखेगी. पर अब बात आती है अगर हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है किन्स की दुकान, जो कि नंबर है 95. तो अगर आपको ये एंट्रेंस नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सा एंट्रेंस है तो आप किसी से पूछ लीजिए दुकान नंबर 95 कौन सी है. अच्छी बैग्स और जूते मिल जाते हैं. मैंने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि वो क्लोई एक बहुत इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका भी एक सेम डिज़ाइन यहाँ पे इन लोग सेल कर रहे थे. तो यहाँ पे एक आपको दिखेगी चाचा दी हट्टी दुकान है यहाँ पे, जो कि टी शर्ट्स बेच रहे होते हैं. यहाँ पे एक लेन है जो कि आपको ये इस वाले रास्ते से भी जाने में दिखेगा, यहाँ से भी जाने में दिखेगा. तो यहाँ पे इस तरफ इन लोग यहाँ पे एंटीक प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं.
इसी और इधर की तरफ वो लोग थोड़े से एक्सपोर्ट के गारमेंट्स बेच रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर निकलते हो तो यहाँ भी वो लकड़ी के डेकोरेटिव आइटम्स बेच रहे होते हैं। जो बात आती है लेन्स की, तो इस लेन को कहा जाता है लेन ई डी है, ये लेन जी है, ये लेन हमारा ए है और ये लेन हमारा सी है। तो जो हमारी लेन ई है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो जो ये हाइलाइटेड एरिया है वो आपको बताता है कि कहाँ कहाँ आपको अच्छे वेस्टर्न आउटफिट मिलते हैं। फिर इसके अलावा जब आप सीधे आए या आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, थोड़े से एक्सपोर्ट के गारमेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको ये यहाँ से चीज़ें नहीं खरीदनी है, फिर आप आगे मूव करते हैं इधर की तरफ लेफ़्ट, जो कि मैंने एक वीडियो में भी दिखाया था कि हम लेफ़्ट लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक दुकान है एब्रॉन सन्स की, जो कि दुकान नंबर है 99। तो इसी के सामने उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट गली। यहाँ पे आपको एथनिक लॉन्ग स्कर्ट भी मिल जाते हैं और वेस्टर्न आउटफिट्स भी मिल जाते हैं। सीधे चलते हैं, यहाँ पे एक दुकान आती है क्रॉस स्ट्रीट की, जो कि दुकान नंबर है 166। ऐसी ही दुकान आती है, इसके अगल बगल आप गली देखोगे आमने सामने, यहाँ पे आपको अंडर गारमेंट्स मिल जाएंगे काफ़ी अच्छा, बेल्ट और एसेसरीज मिलेंगे, ठीक है, ये इन दोनों गलियों में। थोड़ा और जब आप चलते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा बिग सी, इस दुकान का नंबर है 199। तो ये है जो दुकान, वो काफ़ी अच्छी वेस्टर्न आउटफिट की, प्राइवेट लेबल की काफ़ी फैंसी आइटम्स आपको मिलते हैं, पर वो एक्सपोर्ट के कपड़े नहीं होते हैं, वो उनके खुद के होते हैं, उनकी खुद की ब्रांड है। जैसे एब्रॉसन्स है वैसी बिग सी है। उसी प्रकार जब आप यहाँ से फिर जब लेफ्ट लेते हो, जो कि मैंने अपने वीडियो में भी लिया था, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट कर दूँगी, आप उसको चेक कर लेना। तो ये दुकान है इंसेंस 200, 199, 199 एंड इंसेंस 200। यहाँ पे आपको वेस्टर्न आउटफिट मिल जाते हैं इनके खुद के। फिर इसी के सामने, इंसेंस के सामने यहाँ पे फैमिली क्यू है, ट्राउजर्स शर्ट वुमेंस की यहाँ मिल जाती है। तो या तो आप इस लेन में आ जाइए ग्रेफिटी में, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के काफ़ी अच्छी वैरायटी के कपड़े मिल जाएंगे, अच्छी बार्गेन हो जाती है। तो ये मेरी फेवरेट है, ये फेवरेट है। यहाँ पे एक अच्छी जूते की दुकान भी है, 135 शॉप नंबर, उसका नाम है सॉफ्ट एंड स्लीप। देखिए मैं ये दुकानदार के नंबर और उनके बारे नाम इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लैंडमार्क याद रहे और इस मैप के अकॉर्डिंग आपको पता हो कि आप सरोजिनी नगर में कहाँ पे हो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर टाइम पे, और आप वापस जा सकते हो या कहीं और किसी दुकान से शॉपिंग करनी है तो आप इजीली कर सकते हो। इसके अलावा हमारा ICICI बैंक यहाँ इधर की तरफ है, और साथ ही ICICI बैंक का बोर्ड यहाँ पे, जो मैं कि हमेशा आपको बताती रहती थी, बिग सी के बगल में यहाँ पे ICICI बैंक का बोर्ड है, बस बैंक नहीं है वो। आप सामने देखते हो इधर की तरफ, यहाँ पे वो ₹35 ज्वेलरी शॉप, तो वो यहाँ पे। किसी के ही सामने देख लीजिए ग्रेफिटी लेन है। फिर मैंने अपने वीडियो में यहाँ पे राइट ले लिया था, क्यों राइट लिया था, ताकि मैं इस लेन में आ सकूं। अब यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं।
पे आप देखोगे काफी मेंस के गारमेंट मिल रहे होते हैं, यहाँ भी आपको यहाँ पे काफी किड्स के मिल रहे होते हैं और मेंस के भी मिल रहे होते हैं साथ में। जैसे ही आप टर्न करते हो तो आपको मिलता है शॉप 107, 108, लक्षिता, डब्लू, और इनके सामने आपको काफी लगेज की दुकानें मिल रही होती है। एच के इस वाले पार्ट में यहाँ पे याद रखिएगा ये DLF स्क्वायर मॉल आपको दिखेगा। अगर इन केस आप यहाँ पे उतरते हो तो आपको पता है आप कहाँ से एंट्री करना है और किस जगह पे आप पहुँचे हैं सरोजिनी नगर में। DLF स्क्वायर मॉल इधर है और उसकी पार्किंग उधर है, और यहाँ पे है बाबू मार्केट। आई एम सॉरी थोड़ा सा ये थोड़ा अनटाइडी हो गया है, बट अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो इसकी इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको मैंने साथ ही साथ बताया है चीज़ें कि कहाँ ज्वेलरी की दुकान है, कहाँ पे शूज़ की दुकान है। इसके अलावा ऑब्वियसली मैं अपनी फेवरेट दुकान की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं दुकान के नंबर्स के बारे में बताऊंगी आपको, ताकि आप इजी वहाँ तक पहुँच सको। और जहाँ तक ये खाने पीने की बात है तो ये DLF स्क्वायर मॉल में आपको मैकडोनल्ड्स मिल जाएगा, सबवे मिल जाएगा, तो आप यहाँ भी खा सकते हो। काफ़ी हल्दीराम भी है, उसके अलावा काफ़ी और भी दुकानें हैं, तो आप ये यहाँ से भी खा सकते हो। इनके साथ साथ ये आपको यहाँ पे रोड क्रॉस करनी पड़ेगी DLF जाने के लिए, तो इधर के साथ ही इधर सरोजिनी नगर के अंदर ही अंदर यहाँ पे जूस की भी दुकान है, सेठी जूस, तो आप वहाँ से जूस भी पी सकते हैं। यहाँ पे आपको भी काफ़ी खाने की चीज़ें मिल जाएगी बाबू मार्केट के पास। मैं आपको गूगल में भी दिखाना चाहूँगी कि कौन सी दुकान कैसी है, सिर्फ एक वेरिफिकेशन, एक प्रूफ के लिए कि जो मैंने चीज़ें यहाँ पे बताई है वो एक्चुअल में गूगल मैप्स में भी है। और अगर आप देखते हैं सरोजिनी नगर का मैप गूगल मैप में भी, तो वो ये ऐसी आई या एच शेप की आपको दिखाई देगी। आप बीच में देख सकते हैं ये सरोजिनी नगर मेरा एच या आई की शेप का है। DLF स्क्वायर अगर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे पार्किंग है, इसके अलावा हल्दीराम है। मेरी एक और सजेशन ये है कि जब भी आप सरोजिनी नगर जाए तो हमेशा मेट्रो से कोशिश करिए या कैब से, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि पार्किंग आपको हो सकता है ना मिले। ये रहा बाबू मार्केट, तो इसका मतलब है कि मेरी एंट्री यहाँ से होगी। मैंने मोस्ट ऑफ टाइम यही देखा है जब भी आप ऑटो लेते हो मेट्रो से तो वो आपको इस गेट पर छोड़ते हैं। यहाँ से आप अंदर आते हो, हम सीधे चलते, यहाँ पर आपको किन्स की दुकान मिलती है। फिर आप यहाँ से सीधे आते हो, लेफ़्ट लेते हो, यहाँ पे ये जो आपको ग्रे हाउस दिख रहा है ये आपकी ये एक्सपोर्ट गली है, और ये पूरी एक्सपोर्ट लेन है, लेन ई, जो कि मैंने आपको बताया था। और देखिए उसके एंड में बिग सी भी है, उसके साथ में इंसेंस है दूसरे रोड पे, जब आप दूसरी तरफ आके लेफ्ट ले लेते हो। और इधर देखिए आपका ये DLF स्क्वायर है एक एच में। सो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आपको बताना चाहिए था। मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई है, और हो सकता है आपको काफ़ी बोरिंग लग रहा हो काफ़ी लोगों को, पर मेरा सिर्फ यही इरादा था इस वीडियो के ज़रिए कि आपको मैं बता सकूं कि कौन सी सही दुकानें हैं, कहाँ पे, और किस तरह सरल तरीके से आप सरोजिनी नगर में शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी को स्टाइलिश अच्छे दामों के कपड़े सही दाम में मिले और सही दुकान से मिले, और आपका टाइम कम खर्च हो और पैसे के भी कम खर्च हो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सजेशन है या राय है, या इसी तरह की कोई और वीडियो आप मेरे से चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की कोई और वीडियो बनाऊं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आप ज़रूर मुझे बताएं कि आप सरोजिनी नगर में जब जाते हो तो किस शॉप से आप शॉपिंग करते हो, या फिर आपने कौन सी ऐसी चीज़ सबसे अच्छी खरीदी थी सरोजिनी नगर से, या आपकी ऐसी कौन सी यादें सरोजिनी नगर से जो कि आप मुझे बताना चाहते हो या आप सभी को बताना चाहते हो जो कि सरोजिनी नगर लवर है। इसके अलावा आशा है कि वीडियो ने आपको काफ़ी जानकारी दी होगी और आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आया है तो मुझे ज़रूर कमेंट, शेयर और लाइक के बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक जो बेल बटन है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ, आशा है कि मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में मिलूँ।